वेलकम टू फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट में भारतीय डाक सेवक की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक की यानी जीडीएस की रिक्रूटमेंट 2019 के अनुसार वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन डेट दिखा रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 6 जून 2019 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 5 जुलाई 2019, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी डेट दिखा रहा है कि 13 जून से लेकर 12 जुलाई 2019 तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का चालान पे करना होगा आपको। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए एग्जेम्प्टेड, यानी कोई फीस नहीं लगेगी। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए एग्जेम्प्टेड रहेगी, ठीक है। और आप कैसे पे कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कैश ई चालान मोड में सबमिट इन द एनी पोस्ट ऑफिस से इंडियन ओवर द फी थ्रू ऑनलाइन फी मोड पे थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग पे मोड में भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में यहाँ पे वैकेंसी की बात करेंगे जीडीएस ग्राम सेवक डाक सेवक की, जिसमें एज लिमिट रहेगी 18 से 40 साल रहेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी ये दिखा रहा है कि 10th हाई स्कूल पास एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड से इंडियन कहीं से किसी से बोर्ड से हो, और इसमें सब्जेक्ट दिखा रखे मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी इसमें, और लैंग्वेज स्टेट वाइज एप्टीट्यूड होना, ठीक है। स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें दिल्ली की वैकेंसी जनरल की दिखा रखी 74, ओबीसी की 42 है, ईडब्ल्यूएस की 18, एससी की 23 वैकेंसी, एसटी की 12, पीएचएनई फिजिकल हैंडीकैप की 5 वैकेंसी, टोटल 174 वैकेंसी दिखा रखी हैं दिल्ली जोन से। हिमाचल प्रदेश जोन की बात करें, जिसमें 323 वैकेंसी जनरल की हैं, ओबीसी 182, ईडब्ल्यूएस की 78 वैकेंसी दिखा रखी हैं, एससी की 131, एसटी की 43, फिजिकल हैंडीकैप की 0, यानी कोई वैकेंसी नहीं है। 757 टोटल वैकेंसी दिखा रखी हैं। झारखंड की बात करें, जिसमें जनरल की 347 हैं, ओबीसी की 97 और ईडब्ल्यूएस की 36 वैकेंसी हैं, और एससी की 99, एसटी की 201 वैकेंसी दिखा रखी हैं, फिजिकल हैंडीकैप की 24 वैकेंसी, ने टोटल 804 पोस्ट दिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का मोड दिखा रखा है, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको लिंक अपडेट मिल जाएगा, वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एग्जाम फीस के बारे में आपको मिल जाएगी और अप्लीकेशन स्टेटस के बारे में चेक कर सकते हैं। इसकी डाउनलोड नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, इसकी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो है तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।